हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 16 मार्च 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोड रहेगा, वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी, स्पेशल नॉलेज रहेंगी। स्टेट में हम कर्नाटक को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जी के में कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होंगे, उन्हें डिस्कस कर लेंगे। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो होंगे उन्हें ओरली डिस्कस करेंगे एंड आंसर्स हम उनके लिखे हुए हैं। ओके, देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। हार मानना हमारी सबसे बड़ी भूल है, अगर आप कोशिशें करते रहेंगे तो कामयाब हो ही जाते हैं। कभी भी आपको हार नहीं माननी। अगर आप इतने डिसअपॉइंट हो गए और आपने हार मान ली तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप इतना चलने के बाद हार मानते हैं। कोशिश करते रहिए, सफल होंगे, अवश्य होंगे। ओके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट आते हैं हर तरह से, पर आपको हारना नहीं है, चलते जाना है और आपको सक्सेस होके दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं आज की जो भी न्यूज़ हैं। अब इतना बोल दिया तो आप समझ तो गए हो, काफ़ी समझदार हैं आप सभी, तो अब ज़्यादा नहीं बोलते तो पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी। पहली न्यूज़ देखते हैं, नदियों के लिए कार्य पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस 14 मार्च 2020 को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा? तो वुमेन, वाटर एंड क्लाइमेटिक चेंज, ये थीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा Tier 1 पूंजी के एकल उधारकर्ता उधारकर्ताओं के समूह के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित एक्सपोजर सीमा कितनी है? तो वो है क्रमशः 15% है और 25% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कोरोना विषाणु को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा घोषित आवश्यक वस्तुएं क्या क्या हैं? तो वो है मास्क, जो कि N95 के सहित रहेगा, एंड हैंड सैनिटाइजर, जो कि अल्कोहल सहित रहेगा। ओके, अब कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपको पता है कि कोरोना को राष्ट्रीय आपदा भी घोषित कर दिया गया है, महामारी भी घोषित कर दिया गया है। तो कोई भी एग्ज़ाम रहेगा कोरोना से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे वो कैसे भी बने। तो हम पूरा प्रयास करेंगे COVID-19 से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं वो सारे हम आप में एक वीडियो में कंपाइल करके दे दें, एक वीडियो। ठीक है, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि भारत डोमेन के अंतर्गत किन 9 भारतीय लिपियों में संकेत स्थल का पता लिखा जा सकता है? तो वो लिखा जा सकता है संस्कृत में, कश्मीरी में, कन्नड़ में, ओडिया भाषा में, सिंधी में और मलयालम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात किए गए उत्पादों पर कर्तव्यों की वापसी के लिए CCEA द्वारा अनुमोदित योजना क्या है? तो अनुमोदित योजना जो है वो है केंद्र निर्यात उत्पादों पर कर्तव्यों और करों की वापसी के लिए योजना, RODTEP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने COVID-19 को कौन सी आपदा घोषित कर दी है? तो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है। बैरिकेडिंग क्वेश्चन, फिर भी आपको याद रखना है, COVID-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 के संयुक्त विजेता कौन बने हैं? तो वो बनी है आरफा खुमान शेरवानी और रोहिणी मोहन। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, आरफा खानुम शेरवानी और रोहिणी मोहन, ये कौन बनी है? उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए इन्हें चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट को नियुक्त किया गया है। एंड जी किसकी जगह पर आए हैं? तो न्यायमूर्ति SJ मुखोपाध्याय की जगह पर इन्होंने अपनी जगह बनाई है। मतलब पहले ये थे, इन्हें रिटायर कर दिया गया होगा, फिर इनकी जगह न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट जी बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने घोषणा की कि सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपने निदेशक मंडल को छोड़ दिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा कर दी है कि जो बिल गेट्स जी हैं उन्होंने अपने निदेशक मंडल को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो अब सामाजिक सेवा करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यस बैंक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो बने हैं प्रशांत कुमार जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने घातक विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए COVID-19 विनियम 2020 को मंजूरी दे दी है?
किस राज्य मंत्री मंडल ने, तो ओडिशा ने। तो ओडिशा से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ओडिशा की कैपिटल क्या होती है, तो ओडिशा की कैपिटल हो जाती है भुवनेश्वर। ओके, अब भुवनेश्वर से आपको याद रखना, जो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स हुए वो भुवनेश्वर के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुए, और उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था या विजेता रहा था सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, जिसने 7 स्वर्ण पदक जीते थे। ओके, एंड हॉकी जो होगी, हॉकी इंडिया जो इंडिया का जो हॉकी मैच होगा वो भी भुवनेश्वर में ही होगा। एंड ओडिशा में जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क और नंदनकनन नेशनल पार्क वो आपको उड़ीसा के अंदर मिलेगा। उड़ीसा के अगर CM पूछ ले जाएँ तो नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल अगर पूछ ले जाएँ तो गणेशी लाल जी हैं। और चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत सारी मिसाइल्स होती हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाक मिसाइल, QERS मिसाइल, इन सब का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, ओडिशा के कोडार्क में ही सूर्य मंदिर है जो कि सूर्य वर्मन जी ने बनवाया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडार्क का सूर्य मंदिर कई बार पूछा जाता है। ओके, इसे ब्लैक पोडा का मंदिर भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के शोधकर्ताओं ने किस प्रदेश में मारम वियो द्वीप पर 43 लाख वर्षीय पेंगुइन के पंखों के अवशेषों पर जीवाश्म त्वचा की खोज की है, तो अंटार्कटिका पर इन्होंने खोज कर ली। अब पेंगुइन से आपको तुरंत मान में, पेंगुइन नहीं है, पेंग्यून है। ओके, पेंग्यून के पंखों के अवशेषों का जो है त्वचा की खोज की है, तो अंटार्कटिका पर खोज की। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उससे संबंधित हम सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। अब पेंग्यूलिन की हम बात कर रहे थे तो ये भी देख लीजिए, पेंग्यूलिन डे मनाया जाता है 15 फरवरी को। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है डेज के पर्पज़ से। अब सामान्य ज्ञान देख लेते हैं क्या क्या रही है। तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना अगर पूछ ली जाए तो कब हुई थी, 1 जून 2016 में, और कहाँ पर हुई थी, तो ये नई दिल्ली में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की बात हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, मुख्यालय मुंबई के अंदर आपको मिल जाएगा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 19 जुलाई 2003 को इसकी स्थापना हुई। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर का ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो क्या है, तो वो है अंटार्कटिका। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर का ध्रुवीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आर्कटिक। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। ओके, एंड आपको हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना है। आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और शेयर चैट अगर यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हर जगह आपको वीडियो दे। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको खबरी ऐप पर फॉलो भी करना है और वहाँ से ऑडियो रिविज़न भी करना है। उससे क्या होगा, यहाँ आप वीडियो देखेंगे, वहाँ से आप ऑडियो सुनेंगे, आपका 10 टाइम बेटर तैयारी हो जाएगा। ओके, एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपकी जो भी क्लासेस होती हैं उनके PDF आपको मिल जाएंगे और आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। आप ही का बेनिफिट, उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, सॉरी उसको लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेके उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो अब देख लेते हैं न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटारे के लिए विवाद से विश्वास विधेयक पारित कर दिया गया। विवाद से विश्वास विधेयक 13 मार्च 2020 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया, जो कि प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटान के हितों और दंड और अभियोजन पर छूट प्रदान करता है। नेक्स्ट न्यूज है, केंद्र ने एक नई इन वीवो मूल्यांकन सुविधा की स्थापना कर दी है। केंद्र सरकार ने 12 मार्च को श्री चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए चित्रा तिरुनाल संस्थान त्रिवेंद्रम में नई इन वीवो मूल्यांकन सुविधा की प्रारंभ कर दिया है, शुरुआत कर दी है। इसका उद्घाटन SCTIMST के अध्यक्ष ने किया और जानवरों पर चिकित्सा उपकरणों का परीक्षण करा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, GST काउंसिल की बैठक, मोबाइल फोन का वस्तु एवं सेवा कर, मतलब कि GST 12% बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इट मीन्स जस्ट 1 अप्रैल से, आपने न्यूज़पेपर अगर कल का देखा होगा तो आपने देख लिया होगा, 1 अप्रैल से मोबाइल की कीमतें जो हैं बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन पे जो GST लगती थी 12%, अब उसे 18% कर दिया गया है। 13 मार्च को आयोजित 39वीं वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की बैठक में
मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभाव में आएगा। जीएसटी बढ़ने का मतलब यही हो जाएगा कि मोबाइल फ़ोन पर अब अधिक खर्च होने लगेगा। वैसे भी अब रिचार्ज भी महंगा हो गया तो अब मोबाइल भी महंगा हो जाएगा, ठीक है। एंड अब जीएसटी की बात हो रही तो जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम जो देश था वो कौन था? तो 1854 में फ्रांस में सबसे पहले लागू की गई थी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि राशि पोर्टल पारदर्शी और त्रुटि मुक्त भूमि का अधिग्रहण करता है। जो भूमि राशि पोर्टल है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए प्रभावी और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण में तेजी लाई गई है। ओके, अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित शहरी सहकारी बैंक के लिए अनावरण सीमा, अब क्या है अनावरण सीमा? 12 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एकल उधारकर्ता और समूह जोखिम सीमा को क्रमशः 15% और टीयर वन कैपिटल के 25% तक घटा दिया है। यह बड़े ऋणों के से उत्पन्न होने वाले एकाग्रता जोखिम को कम करने के लिए किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा आयोजित गंगा आमंत्रण अभियान। गंगा आमंत्रण अभियान का आयोजन 14 मार्च 2020 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा गंगा नदी में खुले जल राफ्टिंग और कायाकिंग अभियान का आयोजन करने के लिए किया गया था। तो अब क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बनेगा, स्वच्छ आमंत्रण गंगा अभियान का आयोजन कौन सी तारीख को किया गया? तो 14 मार्च 2020 को किया गया। क्यों किया गया? कि नदी में खुले जल राफ्टिंग और कायाकिंग अभियान का आयोजन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड सैनिटाइजर और मास्क आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया गया है। भारत सरकार ने 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हाथ सैनिटाइजर और मास्क लाए हैं। सरकार ने उन्हें जोड़ने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन किया। यह कोविड-19 के प्रकोप की वजह से लगाया गया था, ठीक है। अब महामारी एक्ट भी है, उस दिन हमने आपको बताया था। तो क्या है महामारी एक्ट? 1897 लगाया गया है, राष्ट्रीय आपदा भी इसे घोषित कर दिया गया है। और ये जो मास्क और सैनिटाइजर इसे कंपलसरी कर दिया है, तो वो 1955 अधिनियम के तहत सूची में संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी समाधान प्रदान करने के लिए इन्फोसिस और क्वालकॉम ने किया है समझौता। भारतीय सॉफ्टवेयर दिग्गज इन्फोसिस और भारतीय स्थित चिप निर्माता कंपनी क्वालकॉम ने भारत में स्मार्ट सिटी का समाधान प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वे होटल, बाजार, स्टेडियम, बहुत कुछ जैसे कई स्मार्ट बुनियादी ढांचे के विकल्प विकसित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट्स बनाने, तो आप शॉर्ट नोट बनाइएगा। इन्फोसिस लिखिए प्लस क्वालकॉम लिखिए, और इन्होंने समझौता क्यों किया है? स्मार्ट सिटी समाधान प्रदान करने के लिए, जिससे बेनिफिट क्या होगा? ये होटल, बाजार, स्टेडियम को जैसे स्मार्ट बुनियादी ढांचे विकसित करने के लिए ये जिम्मेदार हो जाएंगे। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, जिसमें हम कुछ ऑपरेशन जो रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में देख लेंगे। तो ऑपरेशन बंदर क्या था? तो ऑपरेशन बंदर था बालाकोट स्ट्राइक का कोड। ऑपरेशन संकल्प क्या था? तो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया अभियान ऑपरेशन संकल्प कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सनराइज 2 भारत एवं म्यांमार की सेनाओं द्वारा आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए संयुक्त ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन सनराइज 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन थंडर क्या था? तो रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। ऑपरेशन 25 क्या है? तो पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन 25 कहलाता है। ऑपरेशन समुद्र मैत्री क्या है? तो भूकंप जो आया था सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए, भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन थर्स्ट क्या है? रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा परिसरों एवं रेलगाड़ियों अनाधिकृत बंड वाली पानी की बोतल पर बिक्री हेतु रोक लगाई गई थी। ओके, ऑपरेशन सुदर्शन क्या है? तो BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया जाता है। अब स्टेट में हम कर्नाटका को डिस्कस करेंगे, तो राजधानी हो जाती है बेंगलुरु और सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है। यहाँ पर अगर ज़िले पूछ ले जाएँ तो 30 है, राजभाषा यहाँ की कन्नड़ हो जाती है। गठन अगर पूछ ले जाए तो 1 नवंबर 1956 को
कर्नाटका का गठन हुआ, राज्यपाल वजूभाई बालाजी हैं, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं, विधानमंडल यहाँ की द्विसदनीय है, विधान परिषद की सीटें जो हैं 75 हैं, विधानसभा की सीटें जो हैं 225 हैं, राज्यसभा की सीटें 12 हैं, लोकसभा की सीट जो हैं 28 हैं। राज्य की पशु अगर कर्नाटका का पूछ लिया जाए तो वो है सिलेंडर लॉरिस और राज्य की पक्षी धनेश है। उच्च न्यायालय अगर पूछ लिया जाए तो वो है कर्नाटक उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना हुई 1884 में। मुख्य पीठ अगर कर्नाटक उच्च न्यायालय पूछ लिया तो बेंगलुरु में, खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्ग में है। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है अभय श्री निवास ओका जी। भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है जोग, जिसे गरसोप्पा भी कहते हैं, वो मैसूर में है। अभी फिलहाल में सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है कुंचिकल, ओके, और ये शरावती नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। जोग जो गरसोप्पा है वो शरावती नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में जो कि बेलगाम में हुई थी, ओके। बेंगलोर का को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहते हैं, सिलिकॉन सिटी के रूप में भी बेंगलोर को जाना जाता है। कर्नाटक रत्न का मैसूर जो कर्नाटक का रत्न जो है मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बीजापुर का गोल गुंबज, सबसे विशाल गुंबज कहाँ पर है तो बीजापुर में है गोल गुंबज, ओके। सोने की खान जो है कोलार तथा हट्टी में कर्नाटक में स्थित है। सदाशिव राव को कर्नाटक गांधी के नाम से जाना जाता है। मैसूर का 1 नवंबर 1973 में नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया था। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का मैत्तूर गांव जो कि कर्नाटक में ही है, ये यहाँ ये कैसा एक दुनिया का ऐसा गांव है जहाँ पे केवल संस्कृत बोली जाती है, ओके। तो हम तो कोशिश करेंगे इस गांव में जाने की, अगर जा पाए तो ज़रूर जाएंगे इस गांव में देखने के लिए कि वहाँ संस्कृत कैसे बोलते सब लोग। हम लोग हिंदी बोलते हैं रोज़ की भाषा, जैसे हम ब्रज क्षेत्र में तो ब्रज बोलते हैं, अवधि में चले जाओ तो अवधि बोलते हैं, कहीं खड़ी बोली बोली जाती है, तो हम ये देखेंगे जाके वहाँ पर संस्कृत नॉर्मली कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब स्टैटिक जीके में देख लेते हैं क्या क्या रहेंगे, तो सम फुल फॉर्म्स रहेंगे। जैसे सेवी की पूछ ली जाए तो सेवी के फुल फॉर्म होते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एक नंबर में, तो सिक्योरिटीज़ बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो हेड है वो अजय त्यागी जी है, इनका कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। एंड मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो मुंबई में है। नीति आयोग की स्थापना तो आप सभी को पता ही है कब हुई है। एंड अब देख लो तो इसकी जो वो है फुल फॉर्म वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नीति आयोग की जो है फुल फॉर्म हो जाती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। एंड इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो और अगर MD & CEO पूछ लिए जाएँ तो अमिताभ कांत जी हैं, और उपाध्यक्ष पूछ लिए जाएँ तो राजीव कुमार जी हैं। अब ERDAI की फुल फॉर्म, ERDAI की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। अब इसमें ये वाई लिखा हुआ है तो यहाँ आई लिख लीजिएगा, ओके, थोड़ा मिस्टेक है। ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर इसके MD & CEO पूछ लिए जाएँ तो वो हैं हर्ष कुमार भनवाला जी। शिडवी बैंक की जो फुल फॉर्म है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ओके। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की। फूल गोभी का भाग जो होता है खाने योग्य वे कौन सा होता है, तो वो पुष्पक्रम खाया जाता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो वो होती है न्यूरॉन। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो कुरकुमिन के कारण हल्दी का रंग जो है पीला होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। अगर वातावरण में पाया जाने वाला तत्व पूछ लिया जाए तो वो है हाइड्रोजन, ओके। और जो वातावरण में ऑक्सीजन पाया जाता है वो 0.03% पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अरे गलत हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, ओके। तेल दीप की बत्ती में केशकत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है, तो तेल जो है दीप की, जो आपने कभी देखे हों पहले दीप, अब तो नहीं जलते हैं, पहले आपने अगर दिवाली के दिए पूछ देख लिए जाएं तो उसमें दिया रखा होता है और उसमें बाती पड़ी होती है, तो वो उसमें तेल पड़ा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से तेल यहाँ कैसे पहुँचता है, तो वो केशकत्व के कारण पहुँचता है। पेट्रोजन की खोज किसने की, तो एंडरसन ने की थी। पटाखों का रंग किसके कारण हरा होता है, तो बेरियम के कारण हरा होता है।
तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो है ड्रिंक है वो दी जाती है, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाए। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। और डायनमो की अगर खोज पूछ ली जाए तो किसने की थी, माइकल फैराडे ने। ओके, अब रॉबर्ट स्कोप किससे संबंधित है, तो रॉबर्ट स्कोप है फुटबॉल खेल से संबंधित। अब ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और शेयर भी कीजिएगा। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट डेली मोशन एंड ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में से लेके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड 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 आपको खबरी ऐप पर फॉलो भी करना है और वहाँ से ऑडियो रिवीजन करना ही करना है, काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा आपका। एंड आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका आंसर कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस करंट अफेयर के वीडियो में कुछ और कंपाइल कर दिया जाए, कुछ और इसमें मॉडरेशन कर दिया जाए, तो वो भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं। ओके, एंड आप सब, आप अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर मन में प्रयास करते रहिए और मन में हमेशा ये जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।